होता है सज्जनों, कभी वो काम भाव से विचार नहीं करता। जब नाचता है मोरनी आंसू पीती है, गर्भवती होती है, इतना संयमी मोर होता है। और जो संयमी पुरुष होता है ना, उसे मेरे कन्हैया चरणों में नहीं, उसे तुम्हारा सर पर विराजमान कर लेते हैं, सिर मोर बना देते हैं। मोर की पंख को धारण किया है मेरे गोविंद ब्रज में। कभी मेरे कन्हैया ने अपने बाल नहीं कटाए जब तक ब्रज में रहे। प्रतिज्ञा ली है उन्होंने, जब तक कंस को समाप्त ना कर दूं, बाल नहीं कटाऊंगा, केश नहीं कटाऊंगा। जब तक मेरे कन्हैया ब्रज में रहे, कभी धनुष बाण अपने हाथ में नहीं दिया, कोई अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में नहीं लिया, केवल बंसी को हाथ में रखा। और जब तक कन्हैया ब्रज में रहे, 11 वर्ष 56 दिन तक अपने पैरों में चरण पाद कर नहीं पहने। क्यों? क्या भगवान को कमी थी? नहीं, नंद बाबा तो ब्रजमंडल के राजा हैं, ब्रजराज हैं नंदराज। हालत परिस्थिति ऐसी थी जो 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 पहन नहीं सकते थे, जो चरण पाद का जिनके पास नहीं थी। मेरे कन्हैया ने कहा, जब मेरे मित्र नहीं पहन सकते, मैं कैसे पहनूं? अच्छा, आज के जो मित्र हैं ना सज्जनों, ध्यान देना, फ्रेंड में, मित्र में, दोस्ती में अंतर होता है। आजकल के फ्रेंड ज्यादा है, मित्र कम है। कल बेटा बेटी भी घर छोड़ के चले जा गए, तो एक ना एक दिन बाबा मैया बापन की याद आ जाएगा। हमारा कन्हैया तो बड़ा चालाक चतुर है, काबाय हमारी याद नहीं आ गई। इतनी जब बात कही है सज्जनों, ध्यान देना, यशोदा के नेत्रों से आंसू झल रहे हैं। उद्धव ने कहा, बाबा कन्हैया बहुत याद करे तुम्हारे, अगर याद नहीं करते ना, आज मुंह ना दे सकते। उद्धव, जब कंस पापी को मार दियो ना कन्हैया ने, और कन्हैया ने कहा मारो, बाकी पाप को बड़ा भर गो, सो फूट गए, उमर गए, तो मैंने कन्हैया से कही, लाला तो तू चलना, अब काम है गयो, सब मथुरा को तेरे मेलो देख लियो, दुष्ट मर गयो, अब तू चलना। तो पतोर मोती का कही, बाबा अब तुम अकेले ब्रजवासी के संग में जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उद्धव, मेरे हृदय पर का बीती होगी कि मैं जाऊंगा? कृष्ण के संग में हमने कोई गलत व्यवहार करो? लाला ते मैंने अद्भुत प्रेम करो, और लाला छोड़ के चले गए। मैया यशोदा कहती है, उद्धव ये हाथ जो है, ये जल क्यों नहीं जाते? ये हाथ टूट क्यों नहीं गए? उद्धव, मैंने माखन के ऊपर, मेरे इन मटकीन के ऊपर मेरे कन्हैया को उखलते बांधो। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा तू रोज कन्हैया को डांट लगाओगे, तू कोई ना कोई ताड़ना तू रोज कन्हैया के काज दे गई, क्या तुम्हारे छोड़ के चले गए? उद्धव ने कहा, बाबा वो ब्रह्म है, वो नारायण है, वो ईश्वर है, तुम ये क्यों कहते हो वो छोड़ के चला गया? ओ जगत के कण कण में भगवान, 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 जगत के कण कण में
जगत के कण कण में भगवान हो, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, किसका वेद पुराण जगत के कण कण में कौवा से युद्ध करेगा एक रोटी के काज। ध्यान देना उद्धव, वो तेरे लिए ब्रह्म होगा, तेरे लिए नारायण होगा, मेरे लिए तो मेरो कन्हैया, मेरो कनुआ, मेरो लाला, मेरो गोपाल, मेरो गोविंद। रात भर चर्चा हुई साहब। उद्धव ने कहा मुझे गोपियों से भी मिलना है। निधि वन में गोपियां बैठी हैं, राधा रानी बीच में है। उद्धव उद्धव जा रहे हैं तो गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सुनती हो बे, मथुरा ते रथ आयो है। एक गोपी ने कही अब काले को चाय कन समते, अब काई को भेजो याने। दूसरी ने जवाब दियो कंस मर गयो है ना, बाकी अपनो तो कोई रोवे वारो है ना है। तो रथ भेजो है मथुरा ते, बाकी रोवे चलेंगी हम प्यार ते को राधे। एक सखी ने कही मैंने तो सुनी है कि कोई हमारे कृष्ण को मित्र आयो है। तो कृष्ण को मित्र आयो है तो कन्हैया ने अपने मित्र भेजो, स्वयं नहीं आयो। जैसे उद्धव सामने गयो, उद्धव सामने जाकर के प्रणाम आए, बहुरा आ गया, राधा के पैर पे बैठ गया, क्योंकि तो राधा रानी के जो चरण है कमल के फूल के समान उनके चरण है, है। इसलिए कपटी है, इससे बात मत करना। फिर एक सखी बोली अरे नहीं ऐसे मत कहो, क्या पता कन्हैया से जाकर इसने कह दिया तो मेरे कन्हैया को कैसा लगेगा कि गोपियां पीछे से मुझे कपटी कहती है, पीछे से मुझे गाली देती है। इसलिए कपटी मत कहो। गोरा से कहती है गोरा गलती हो गई, तू जाके हमारे कन्हैया से मत कह देना। सज्जन ध्यान देना, ये गोपी जो है ना, इनका कितना प्रेम है मेरे गोविंद के प्रति। मैं एक दृष्टांत आपको देता हूं, यदि ये समझ में आ गया ना तो अब से नारद जी गए हैं नारायण के पास, और नारद जी ने प्रश्न किया क्षीर सागर में जाकर, नारायण भगवान आप बताओ कि आपको सबसे ज्यादा प्रेमी कौन है, मैं हूं या लक्ष्मी जी हैं या गोपी हैं या भक्त हैं या सतवामा है, कालिंद्री है, मित्रविंद्या है, कौन है आपका सबसे ज्यादा प्रेमी? समय आने पर बताऊंगा, मेरे गोविंद ने कहा। सज्जनों कुछ दिनों के बाद में कन्हैया के उदर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ। लक्ष्मी जी घबरा गई, इधर नारद जी भी आ गई पास में, कहा प्रभु मैं कोई वैद्य बुला के लाता हूं, वो औषधि देगा, दवा देगा, दर्द ठीक होगा। पर सुनो, वैद्य की दवाई से दर्द ठीक नहीं होगा, तो मुझे तुम्हारे चरणों की यदि धूल मिल जाए, तुम्हारे पैर की लगी यदि धूल मिल जाए और वो मेरे उदर पर लग जाए तो दर्द ठीक हो जाएगा। हमें तो नरक भी ना जेल, लक्ष्मी से कहा तुम दे दो ना अपने चरणों की धूल, जरा लगाऊंगा तो दर्द ठीक होगा। और कैसी बात कर रहे हो,
मैं आपको अपने चरणों की धूल कैसे, मेरे जो चरण के नीचे धूल पड़ी है वो कैसे दे सकती हूँ? मुझे तो नरक भी ना दे। नारद से कहा, नारद तुम तो जरूर मेरी सेवा करोगे, अपने चरण की धूल मुझे दे दो ना। अब भगवान आप भी कैसी बात करते हो, मुझे नरक भी नहीं झेलेगा, ऐसा अपराध मुझसे कराते हो आप। और भी महाराज देवी देवता कुछ आए, सबसे कहा, सबसे मना कर दिया। फिर गोविंद और महाराज थोड़ा सा नाटक करने लगे और करहाने लगे। नारद बोला, मैं क्या करूं बताओ ना, और शीघ्रता से वृंदावन जाऊं और गोपियों से कहना कि तुम्हारे माधव के उदर में दर्द है, चरणों की रज मंगाई। नारद जैसे ही वृंदावन आए, नारद को गोपियों ने घेर लिया। कहो हमारे कन्हैया कैसे हैं, हमारे हमारे माधव कैसे हैं, हमारे गोपाल कैसे हैं, गोविंद कैसे हैं? सुनो सब ठीक है, पर फिलहाल में तुम्हारे कन्हैया के उदर में दर्द है। दर्द है तो बताओ ना हम क्या करें, पर तुम्हारे चरणों की रज चाहिए, दर्द ठीक हो जाएगा। पर एक मिनट रुको, थोड़ी देर रुको। महाराज गोपियां गई हैं अपने घरों में, कपड़ा लेके आई हैं, और महाराज चरणों की जो रज है पोटली बांध बांध करके नारद के सामने ले जाओ, जल्दी करो, जल्दी जाओ, नारद के सामने रखी है। नारद लेकर के पहुंचे हैं, मेरे गोविंद जैसे थे वैसे ठीक अवस्था में पाए। कहा आप तो ठीक हो गए, पर नारद तुमने एक प्रश्न किया था कि सबसे ज्यादा प्रेम में किसे करता हूं, जवाब मिला या नहीं मिला? महाराज मिल गया। क्या मिला? पर मुझे तो नरक और स्वर्ग का डर था, लक्ष्मी को भी नरक स्वर्ग का डर था, लेकिन उन गोपियों को तो कोई डर ही नहीं है, केवल उनको तो आपसे प्रेम है, प्रेम है। महाराज गोपी ही सबसे ज्यादा प्रिय है। वचन देता हूं देवियों, क्या वचन? ये है कि मेरे पहुंचने के बाद में कृष्ण तुम्हें वृंदावन में दर्शन देगा। वो निर्देय है, पत्थर है, समझ गया? आएंगे इस मूल मंत्र को, और आप ही महाराज घर जाकर के खूब गुनगुनाया करें। श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी।
Thank you.
उनकी मैसेज आई हुई है निगम पार्षद है हमारी बहन पधारी है प्यास मंच पे भी आएंगे आज विदाई है इसलिए विदाई के उपलक्ष्य में आ गई है महाराज और सुरेंद्र पार्षद जी हैं पधारे हैं बार बार स्वागत है प्यास मंच से और कल ज्योति बिंदी आई थी व्यास मंच पर बड़ा अच्छा व्यास हृदय का भी सम्मान किया था क्यों क्योंकि हम राक्षसों के बीच में रहे हैं हम इन दानवों के बीच में रहे हैं चलो हम गए भी और माता पिता ने लोक लज्जा के कारण दया ममता के कारण प्रेम के कारण हमको अपना भी लिया तो प्रभु हम घर में कब तक रहेंगे कन्या तो गरीब की हो चाहे अमीर की पराई होती है और पराया पुरुष हमें कोई अपनाएगा नहीं तो हे प्रभु करा देती है ना उसे मेरा श्याम अपना लेता है तो 16,100 विवाह जो भगवान ने किए हैं इस कारण किए हैं लोग प्रश्न करते हैं कि विवाह करके ना लाते तो उनको यदि माता बना के लाते तो उन कन्याओं की उम्र नहीं होती बहन बना के लाते तो फिर किसी पुरुष के साथ शादी करनी पड़ती तो भगवान ने कहा यदि घर में रखूंगा तो लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे कितनी कन्या घर में बैठा रखी है इसलिए मेरे ठाकुर जी ने 16,100 विवाह एक ही मंडप में किए हैं और महाराज जो 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 राजकुमारी भौमासुर की कैद में थी मुक्त करके उन्हें इज्जत दिलाई है मेरे श्याम ने और 16,108 विवाह उनके संपन्न हुए हैं बोले द्वारकाधीश भगवान की एक रानी के 10 पुत्र हैं